ये जो मसला है अरबी में इसको अत्तसव्वुक अल हरमी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक चैन बनता जाता है, ऐसे अल जी, हरम इसको बोलते हैं, इस तरह का जो मॉडल होता है ना उसको हरम बोलते हैं। पिरामिड पिरामिड हाँ मार्केटिंग भी बोलते हैं उसको आमतौर जी पे। बिल्कुल, हाँ तो पैरामिड उसी सही हरम जी को पैरामिड बोलते हैं, तो इसको जी तसव्वुक अल हरमी बोलते हैं। इसका सिस्टम क्या होता जी है, उमूमन जो दुनिया में इसका सिस्टम मौजूद है इस वक्त, वो ये होता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है, उस कंपनी का जी मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट बेचें। अब इस जी ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए कंपनी एक तरीका अख्तियार करती है, वो तरीका ये जी अख्तियार करती है कि कोई आदमी आए हमारे यहां से, हमारा कम से कम इतना प्रोडक्ट खरीदे तो फिर वो हमारा मेंबर बन जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने जी कहा कि 1,000 का कम से कम प्रोडक्ट हमसे आप खरीद लेंगे हमारा, तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। जी अब जब आप हमारे मेंबर बन गए तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पकड़ करके लाइए, मेरी कंपनी से जोड़िए। आपके दोस्त जब आकर के कंपनी से जुड़ना चाहेंगे तो वो भी कम से कम 1,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे, और हर जी वो कस्टमर जिसको आप लाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। उसकी कुछ हद होती है कि कम से कम, हर कंपनी का अलग अलग होता है कि कम से कम आप इतना कस्टमर लाएंगे तो फिर हर कस्टमर के पीछे आपको इतना इतना दिया जाएगा। फिर वो जो जी तीसरा, फिर ये दूसरा चैन बन गया, तीसरा जी चैन जी बनेगा कि आपके लाए हुए कस्टमर वो तीसरे चैन को लाएंगे और फिर वो जी आकर के खरीदेंगे तो उस पे भी आपको पॉइंट मिलेगा, फिर उस पे भी आपको रकम देगी कंपनी। ये जी तरीका जी होता है इसका। इसका शरई जी हुक्म क्या है? इसका शरई जी हुक्म जानने से पहले एक कायदा समझिए, बै के बाब में बहुत ही अहम कायदा। वो कायदा ये है कि अल कसूदो मुअस्सिरतुन फिल उकूद। उकूद मतलब एग्रीमेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट माली मुआमलात हैं, जो अक्द होता है बयो कॉन्ट्रैक्ट शिरा या जो जो दूसरे मुआमलात हैं, जी। इसमें आदमी के मकसद का एतबार होता है, मकसद की वजह से उसके हुक्म पर असर पड़ता है। ठीक है। जी। अब ये जो पहला कस्टमर आया है कंपनी के पास और उसने 1,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, आप ये बताइए ईमानदारी के पास, ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया बताए कि वो जो प्रोडक्ट उसने 1,000 का खरीदा है, क्या उसका मकसद वो प्रोडक्ट है, या उस कंपनी की मेंबरशिप लेकर के उसका प्रचार करना, कस्टमर लाना, फिर उस पर कमीशन लेना मकसद है? हाँ कमीशन लेना ही सेक मकसद होता है। सेक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरों कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारा ऐसा सुनिए, होता है। मैं देखिए, हम एक कंपनी की बात नहीं कर आप वाले सकते। मसले पे अभी आते हैं, आप वाले मसले पे आते हैं देखिए, अभी, कि अगर बगैर इसके बगैर हम एफिडेविट जनरल लिए। बात तभी कर तो रहे हैं, तुमसे बता, जनरल सुनिए बात कर लेते हैं, जनरल। जनरल बात कर देखिए, लेते हैं हम जी। जनरल बात कर रहे हैं। वो जो कंपनियां होती है, आप सर्वे कर लीजिए, उमूमन वो जो सामान आपको 1,000 में वो दे रही होती है कंपनी, अगर वही सामान आप मार्केट में खरीदोगे तो बेशतर औकात में वो सामान आपको 1,000 से कम में मिलेगा। और अगर 1,000 से कम में ना मिले, वो मार्केट रेट पर ही वो कंपनी अगर सामान आपको दे रही है, तो जो लोग भी वो 1,000 का सामान खरीदते हैं, उनका मकसद वो सामान नहीं होता है, उनका मकसद होता है कि वो मेंबर बन जाएं, और मेंबर बन जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों को मेंबर बनाएंगे और वो पूरा चेन बनता चला जाएगा, और इससे उनकी एक बड़ी कमाई होगी, और इसके लिए उनको शुरू में सिर्फ 1,000 देना पड़ा है। तो जब वो सामान मकसद नहीं है, इसका मतलब उस सामान को दरमियान से हटा दीजिए। वो सामान मकसद नहीं है तो जो चीज मकसद नहीं है उसको दरमियान से हटा दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, जी गोया कि बिल्कुल वो है ही नहीं। अब जी क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं शेख सरफराज, कई जी जी दफा बिल्कुल ऐसा ऐसा भी अरब कंट्रीज में ऐसी कंपनियां हैं जो सीडी बेचती जी हैं, सीडी जो जी कंप्यूटर जी सीडी जी होता है, उसमें उसमें कुछ इस्लामी प्रोग्राम्स होते हैं, कुरान हदीस इस तरह की चीजें होती हैं, वो सीडियां, एक एक जी जी सीडी 1,000, 1,500 रियाल में एक एक सीडी बिकती है। जी अब जी एक आदमी, जाहिल आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो सीडी क्यों खरीदेगा? बताइए, उसके किस काम की है वो सीडी? जी कोई किसी काम की नहीं है, लेकिन वो खरीदता है क्योंकि वो खरीद करके कस्टमर बनेगा,
मेंबर बनेगा, दूसरे लोगों को मेंबर बनाएगा, फिर जो है फायदा कमाएगा। अब वो जी सामान जी जो उसका मकसद ही नहीं है, गोया कि उस सामान को आप दरमियान से हटा दीजिए, वो सामान नहीं है गोया कि। अब जी क्या जी है, उसने उस कंपनी को 1,000 रकम दिया है, मकसद क्या है उसका कि उस 1,000 के बदले में वो कमाएगा। इसके अंदर कमार भी है, जुआ, इसके अंदर जुआ भी है, इसके अंदर गरर भी है, इसके अंदर सूद भी है। कमार कैसे है, उसने 1,000 दिया है, अब वो उम्मीद कर रहा है कि आगे वो बहुत कमाएगा। कितना कमाएगा क्या उसको पता है, या कमा पाएगा भी कि नहीं, कि या कुछ भी नहीं कमाएगा क्या उसको पता है, नहीं पता नहीं। है। जब आप किसी मामले में दाखिल हो, मिन बाबिल मुखातरा, आप खतरा लेते हुए दाखिल हो कि मैं कमा भी सकता हूं, ज्यादा भी कमा सकता हूं, कम भी कमा सकता हूं, या सिफर भी हो सकता है, इसी को जुआ कहा जाता है। खेमार। तो ये जुआ है, खेमार है वो। दूसरी बात ये कि इसमें गरर है। आपने जो 1,000 खर्च किया है, आपको मालूम है आपको कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं पता है, मजहूल है, सब कुछ मजहूल है। आप लाखों में भी कमा सकते हो, आप कम भी कमा सकते हो, ज्यादा, पूरा मजहूल है सब कुछ। तो इस तरह से इसमें गरर और जहालत है। तीसरी बात, इसमें रेबा भी है। जब हमने सामान को दरमियान से हटा दिया तो अब क्या बचा, पैसे के बदले में पैसा बचा। आपने दिया है 1,000 और उस 1,000 के बदले में अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है, बाद में मिलने वाला है। तो जब बाद में मिलने वाला है तो ये क्या हो गया, रेबन नसिया हो गया। रेबन नसिया यही है कि पैसा आप अभी दो, उसके बदले में पैसा बाद में मिलेगा आपको, ये रेबन नसिया हो गया। और इसके अंदर रेबन फजल भी है। अगर आपने 1,000 दिया है, बाद में आपको 1,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो ये रेबल फजल है। इसी तो ये पहले चयन के अंदर ही ये चीज हराम हो गई। अब उसके बाद जो अगले चयन बनते हैं, जो अगले चयन बनते हैं, सवाल ये है कि जो बाद में जो कस्टमर जुड़ते हैं, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं किया है, आपको वहां पे क्यों मिल रहा है भाई। आपको वहां इसीलिए मिल रहा है कि वो कंपनी लोगों को लूटती है, लोगों को धोखा देती है, इसीलिए वो आपके जरिया से लोगों को फंसा रही है, इसलिए आपको मिल रहा है। वरना बाद के कस्टमरों पर आपने कोई मेहनत नहीं किया है, कोई काम नहीं किया, तो वहां आपको क्यों मिल रहा है। अब कोई आदमी ये कह सकता है कि भाई जो बाद के कस्टमर हैं वो तो मेरी वजह से ही आए हैं ना, अगर मैं पहला चयन नहीं बनाता तो बाद के कस्टमर कैसे आते। ऐसे आदमी से मैं ये सवाल करता हूं कि मान लीजिए आज की तारीख में मैंने आपसे एक गाड़ी बेचा और गाड़ी की कीमत मैंने ले लिया। अब वो गाड़ी कल को आप जाकर के किसी दूसरे आदमी से बेचोगे, आप वहां नफा कमाओगे, क्या उस नफे में मेरा हक है। कोई आदमी कह सकता है कि भाई गाड़ी अगर मैंने नहीं बेचा होता आपको, तो आप वहां जाकर नफा क्यों कमाते, इसलिए मुझे उसमें भी हिस्सा दो, क्या कोई देगा। नहीं, तो ये कहना कि मैं उसका सबब बना शुरू में, ये गलत है। आप जो सबब बने, पहला कस्टमर लाने में सबब बने, बाद में जो चयन बन रहा है उसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। और अगर सिर्फ सबब बनने की वजह से आपको फायदा मिलना चाहिए, तो कोई भी किसी भी सामान का जो बिजनेस होता है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है पहला, वो सबब होता है, तो क्या उसको आखिर तक नफा मिलता रहता है। वो जिससे जो पहला फर्स्ट कस्टमर होता है उससे सिर्फ उसको फायदा मिलता है। तो इसके अंदर एक खराबी नहीं है, इसके अंदर कई सारी खराबियां हैं, लिहाजा ये जायज नहीं है। और इस पर सऊदी में जो फतवा कमेटी है, लजना दायमा वगैरह, उन लोगों का भी यही फतवा है इस मसले में कि ये जायज नहीं है। आम तौर पे अब तक का तजर्बा यही है कि जितनी भी एमएलएम की कंपनियां आती हैं, ये कुछ दिन तक के चलती हैं, ये फ्रॉडी होती हैं आमतौर पे, ये कुछ दिन तक चलती हैं, जब तक नीचे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं चलती जाती है, जब नीचे आना बनना बंद हो जाते हैं तो कंपनी भाग जाती है। जी मैं बताऊं, हाँ, अब आप ये एक जो आम तौर पे कंपनियां चलती हैं उसके बारे में दुख्तूर ने जवाब दे दिया। अब इसमें जो जो चीजें हराम बताई हैं, जो दुख्तूर ने कहा ना, तो अगर चाहे एक ही हो नीचे डाउनलाइन जिसका कमीशन मिले तो भी जायज नहीं है, है ना शेख। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जायज, नहीं है, मतलब पूरे कई पीढ़ियों तक मिलेगा ऐसा नहीं, एक ही का मिल रहा है तो भी जायज नहीं है। हाँ, और अगर कई तक मिल रहा है तो ये जायज नहीं था, उसमें और एक चीज उसके अंदर खराब है। इल्ला एक ही, सुनिए, इल्ला एक ही, वो जो सामान आप खरीद रहे हो, आपका मकसद वही सामान हो, मेंबरशिप वगैरह कोई आपका मकसद
आपको सामान की जरूरत है, आप उस कंपनी से खरीद रहे हो, आप चाहे 1,000 में खरीदो, 50,000 में, ये आपकी मर्जी। आपका मकसद मेंबर बनकर के लोगों को मेंबर बनाना नहीं है, अगर सामान मकसद है तब कोई मसला नहीं है। हाँ जी सर, अब मैं बताऊँ थोड़ा। जी जी अगर वो तीन कंडीशन जो पहले बोला गया कि मकसद अलग है, एक, नंबर दो मेंबरशिप बनना है इसलिए, सॉरी, मेंबरशिप बनने के लिए 1,000 खर्च किया, ये कंडीशन एक है, और दूसरा कि पता जुआ की जो बात आई कि जुआ हो सकता है कि कितना मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो, क्या मैं 1,000 का खरीदा, कितना पॉइंट मिला, उसके हिसाब से कितना पैसा मुझे मिलेगा, ये मुझे कैलकुलेशन से पूरा पता है कंपनी के द्वारा? नहीं पता है, नहीं पता है आपको, बिल्कुल नहीं पता है ये, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। आपको कैसे पता भाई कितने कस्टमर आप लाओगे? नहीं, उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद तो सिर्फ ये मेंबर बनाना नहीं है ना अभी तो मैं फिलहाल। अच्छा जी, आपका मकसद मेंबर बनाना नहीं है? जी बिल्कुल। तो मैं प्रोडक्ट खरीदा तो उसके 1,000 का खरीदा तो उसके हिसाब से कितना कैशबैक आएगा वो मुझे पता है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोला सर जी? शेख जी नहीं, अब आप इसी पे अपनी बात आगे बढ़ाइए कि आपने, आपका मकसद जो है सामान खरीदना है, मेंबर बनना नहीं है, आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, अब आगे इसके बताइए। मैं अपना प्रोडक्ट अच्छा है ये समझ के प्रोडक्ट खरीद लिया, मुझे जरूरत है इसके हिसाब से खरीद लिया, और मेंबरशिप बनने के लिए कोई खरीदने का जरूरत भी नहीं है, अगर कुछ खरीदेंगे नहीं तो भी मेंबरशिप बन सकते हैं, ये क्या है एक बात, तो मैंने खरीदा, मेरा जरूरत है इसीलिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं अगर किसी को प्रेफर करता हूँ कि जिसको जरूरत है, हकीकत में जरूरत है, समझ लीजिए मेरा कोई भाई है जो जिसको वही सामान जरूरत है, वो भी उसे उसी मकसद से खरीदा कि मेरा ये जरूरत है, उसको भी पता है कितना मिलेगा और मुझे भी पता है कि उससे मुझे कितना मिलेगा और उसको भी पता है कि उससे मुझे कितना मिलेगा, ऐसे कंडीशन में इस सूरत में किया जाए से उसके उससे जो मिलेगा, देखिए मकसद हालांकि जो, जो जो आप बता रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की जो मार्केट दुनिया के अंदर मौजूद है कोई फकत वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि वो प्रोडक्ट महंगा होता है, आम मार्केट के आम रेट से महंगा होता है, क्योंकि अगर वो महंगा नहीं देंगे तो उनका मकसद पूरा नहीं होगा कंपनी वालों का। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि उसको उस जरूरत, उस चीज की जरूरत थी, उसने अपनी जरूरत के लिए खरीदा, उसके बाद उस कंपनी ने उससे कहा कि अगर आप हमारे लिए कस्टमर लाओगे तो हम उसको उस पर, और वो कस्टमर आकर के हमसे कुछ खरीदेगा तो उस पर हम आपको इतना इतना कमीशन देंगे, तो इसको हदीस की इस्तलाह में इसको समसरा बोलते हैं, दलाली, जिसको हम उर्दू जबान में दलाली बोलते हैं। तो दलाली करके पैसा लेना, अगर साफ और शफाफ तरीके से दलाली करके पैसा लिया जाए, चाहे खरीदने वाले से या बेचने वाले से, तो ये जायज है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपने उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदा होता तो क्या आपके लाए हुए कस्टमर से आपको कमीशन मिलता? वो अगर नहीं खरीदेंगे तो उससे कैसे कमीशन मिलेगा? तो फिर बात नहीं, तो आप नहीं खरीदे, आप तो नहीं खरीदे, वो जो खरीदेंगे गोया कि दलाल बनने के लिए आपका उस आदमी, उस कंपनी का दलाल बनने के लिए या बीच में वास्ता बनने के लिए जरूरी है कि पहले आप प्रोडक्ट खरीदो? हालांकि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है कि प्रोडक्ट सब खरीदेंगे, उसके खरीद रहे हैं और उसके हिसाब से मुझे कमीशन मिल रहे हैं, तो अगर मैं नहीं खरीदूंगा मेरा यूजेस नहीं होगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर खुद नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे कैसे, मैं बेचूंगा या फिर खुद की यूज के लिए खरीदूंगा, ये दोनों ही सूरत में मैं बेच भी सकता हूँ, मैं यूज भी कर सकता हूँ, मुझे खरीद के या फिर बेचना भी होगा या फिर यूज भी कर सकता हूँ, अगर ये कुछ पैसों की खरीदी बिक्री नहीं होगी तो मुझे मेरा पैसा तो आएगा लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता, मैं खरीद के वो यूज कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी समथिंग कुछ भी जो मेरा यूज होगा। यानी कि आप खरीदे, जैसे मिसाल के तौर पर 8,000 आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, 8% पहुंचने के लिए 7 से 8,000 का खरीदना पड़ेगा, और जब 8% पहुंचेंगे तब नीचे वाले के पैसे आपको मिलेंगे, है ना? तो अब वो 8,000 अगर आपने खरीदे नहीं है, आप जीरो खरीदे हो, आपके डाउनलाइन ने खरीदा है,
तो आप बोल रहे हो उसका पैसा आपका आएगा लेकिन मिलेगा नहीं आपको, यानी आया नहीं आपके पास। मेरा रैंक अगर चेंज नहीं होगा उसके और मेरा रैंक एक ही है तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं अगर उसके हायर ऊपर मिलना है पैसे तो आपको 8,000 लगाना है ना? नहीं लगाना नहीं है, रैंक चेंज करने का प्रोडक्ट खरीदना है ना, प्रोडक्ट खरीदना है ना। अच्छा देखो सब लोग सुनिए, यहाँ क्या होता था ना दुनिया में, ये मनी चेंज चलती थी। मनी चेंज कैसे होती थी कि मैं 1,000 रुपए दिया मिसाल के तौर पर, किसी एक ने 1,000 दिया और वो लाता है दूसरे को, वो जो दूसरा भी 1,000 देगा उसके 1,000 में से पहले वाले को 500 वापस मिल जाएगा, फिर उसके नीचे वाले ने लाया उसमें से 200 वापस मिल जाएगा। ऐसे मनी चेंज चलती थी। फिर मनी चेंज पूरी दुनिया में बहुत जगहों पे इल्लीगल है, इंडिया में भी इल्लीगल है मनी चेंज। तो मनी चेंज वाले क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि एक नेम से एक प्रोडक्ट लाओ, अब प्रोडक्ट है मान लो 200 रुपए का, उसको 400 बना दो, 200 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, 200 रुपए हमारे मनी चेन वाले। अब लोग जो आते हैं उनको सेल जो करते हैं वो लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे प्रोडक्ट नहीं सेल करते, वो प्रोडक्ट सेल की वजह से नहीं बिकता है, वो बिकता है उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर। उनको बताया जाता है देखो तुम्हारे नीचे इतने डाउनलाइन आएंगे, पूरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, बोले देखो ये सब इतने सारे प्रोफाइल्स ऑफ सक्सेस है, देखो ये लोग इतने बड़े अमीर बन गए, इनके पास इतने डाउनलाइंस है, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बेचा जाता है। तो सामने वाला जो आता है वो पैसे देता है, वो क्यों देता है, वो क्या चीज के लिए देता है, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको, उसको इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। तो वो मनी चेन ही नेम से एक प्रोडक्ट आ गई, तो शेख ने क्या बताया, जो प्रोडक्ट नेम से है उसको हटा दो, उसकी रियलिटी नहीं है, उसका मकसद ही नहीं है, बिजनेस उसके लिए हो ही नहीं रहा है। बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम में, जो एक्चुअली मनी चेन ही है, जो दुनिया में भी इलीगल है, क्योंकि उससे क्या होता है लास्ट में नीचे वाले जो कोई ऐसा रहेंगे जिनको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे और उनके पैसे जैसे कि गसब हो गए, और वो नीचे वालों की बुनियाद पर ही वो ऊपर वालों को पैसे मिलते हैं, अगर नीचे कोई नहीं रहेगा तो ऊपर वालों को भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज है जो काफी डिटेल में एक्सप्लेन हो गया। अब इसकी कई शक्लें, आजकल एक नई शक्ल आई है कोर्सेज के नाम में, ऐसे कोर्सेज है जो फ्री में मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं कोर्सेज, ऐसी लेडीज बहुत सारी मार्केटिंग करती हुई मिलती हैं कि ये कोर्सेज को मार्केटिंग कर रही हैं, और वो कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री में मिलते हैं अक्सर, लेकिन वो चीज को पेड तौर पर ला करके 8,000-9,000 में बेचते हैं, और वो मकसद क्या है कि वो कहते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग का नाम है, और कहा जाता है कि अपने डाउनलाइन को तुम लाओ, वो 8,000 का जो तुम बेचोगे तो तुम्हें 4-5,000 मिल जाएंगे उसमें से। अब वो जो नीचे वाला जो 8,000 का पे कर रहा है कोर्सेज के लिए, जो कोर्सेज उसको फ्री में मिल सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज में मिल सकते हैं वगैरह, उसको भी कोर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको भी इंटरेस्ट होता है कि मैं नीचे 10 लोगों को लाऊंगा तो 5,000-5,000 एक एक से मिलेगा, मुझे 50,000 मिल जाएंगे, लगाने मुझे 8,000 है, मिल रहे 50,000 मिल जाएंगे आसानी से। तो ये इसके अंदर ये मकसद होता है, वो मनी चेन ही है, नेम से एक कोर्स बीच में लाया गया लेकिन है असल में वो मनी चेन, चाहे एक डाउनलाइन हो या चाहे 2 लेवल तक मिल रहा है। तो ये चीज आजकल बहुत चल रही है और इसमें आगाह होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये चीज के अंदर कोई ना कोई लास्ट में होगा जिसके पैसे आपको मिल रहे हैं और ये नाजायज है, और जो पैसे आपने लगाए जैसे शेख ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर सारी वो जुआ है, उसके अंदर एक टाइप का सूद है, उसके अंदर धोखादेही है, करर है, ये सारे प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, तो ये चीज से बचना चाहिए। और मान लो सोचो अगर रियल एफिलिएट मार्केटिंग है तो 8,000 की कंडीशन नहीं होगी, जो रियल एफिलिएट मार्केटिंग है तो कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, तुम 8,000 का खर्चा करोगे तो जाके तुम मेंबर बन सकते हैं। उसके अंदर तुमने लाए 10 रुपए का कस्टमर लाए, ये लो 2 रुपए तुम्हारे, ये लो 3 रुपए तुम्हारे, ये लो 1,000 रुपए का कस्टमर लाए, ये लो 50 रुपए तुम्हारे, 500 रुपए तुम्हारे, जो देना है वो फिक्स हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह से ये तुम इतना दो तो जाके हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में मेंबर बन सकते हो, वो एक फिक्स पेमेंट है, तो फिर वो मनी चेन ही है, सिर्फ एक दूसरा एक डिस्गाइज लेकर आएंगे बस। बहुत शुक्रिया जैद भाई, बस कई सारी चीजें और भी क्लियर हो गई।